लाइन है इसके समांतर हमने एक रेखा छोड़ी, समांतर मतलब जो पैरेलल इंग्लिश में बोलते हैं, ये समांतर होगी और इसी रेखा आधार रेखा को हमने आगे बढ़ाया। अब ये जो हमारा कोण है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसे क्या बोलेंगे हम, एकांतर कोण। और ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा, इसे बोलेंगे संगत कोण। क्रॉस पढ़ना से कुछ बोलते हैं। अब ये देखिए हम इन तीनों कोणों को जोड़िए, एक दो तीन, ये कोण का फॉर्मेशन क्या हो गया, ऋषि कोण। तो इसलिए हमें पता चल गया कि इसके त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है, एक त्रिभुज है सिद्धि। मैं बता रहा था ट्रायंगल को आप दो सेम ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ पे एक सेंटीमीटर का आप मान लेंगे दो तरफ से, इसके बाद क्या करेंगे बच्चों से कहेंगे ये आपसे कट कर लीजिए चार जोड़ों को, उसे आसानी से कह दीजिए ये पोर्शन को निकाल सकते हैं काट के, यानी कि ये तीन भाग तीन तीन ये ऐसे उनके पास आ जाएंगे काट के। अरे आप अब यहाँ पे सीधी रेखा घुमाएंगे और यहाँ पे इस पोर्शन को उठा के अभी तो उठेंगे नहीं, ऐसे करके रखवाएंगे। बढ़िया था, अच्छा ये भी अच्छा है वही चीज मतलब एक्टिविटी के तौर पे हमने तो ये पूरा आइडिया, तो ये पूरे जो तीनों कोण जो यहाँ पे लगे हुए थे ये क्लोसिंग ग्रुप है। बहुत 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 बढ़िया सर। हम बताएंगे कोण के बारे में पढ़ाते हैं, कोण क्या होता है, कोण एक कोण मतलब कोना, कोना मतलब झुकाव, झुकाव बताते बताते हम बच्चों को कोणों के बारे में बताएंगे, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। ऐसे ही हम आ जाएंगे ऋषि कोण में, ऋषि कोण होता है 180। जितना मैं बच्चों को पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम त्रिभुज की बात करेंगे तब, जब बात त्रिभुज की आती है त्रिभुज में हम पहली लाइन हमारी यही आती है कि बच्चों तीन सरल रेखाओं से भी बंद आकृति, मेन चीज होती है बंद आकृति, खुली आकृति और त्रिभुज ही कहेंगे, तीन सरल रेखाएं बना दूंगा मैं तो वो हमारी त्रिभुज नहीं कहलाएगी, तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति हमारी त्रिभुज होती है। उसके बाद हम अगली बात बच्चों से प्रकट करेंगे कि बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो बच्चे के दिमाग में बात स्ट्राइक करेगी कि 180 अंश होता है, बस उसको तो रट लेगा बाई चांस, बाई चांस किसी बच्चे ने पूछ लिया सर कि 180 अंश ही क्यों होता है, उसके लिए मैंने ये छोटी सी ट्रिक अपनाई थी, मैंने बच्चों को बताया बच्चों ऋषि कोण की जो माप होती है वो 180 अंश होती है, बच्चे जानते ही पहले से। अब बात है त्रिभुज क्या रहेगी, मैंने बताया बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो मैंने एक कागज का एक छोटा सा एक ट्राइंगल मैंने बना लिया है आप जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें तीनों कोण भी दिखाई दे रहे होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मैंने क्या किया बच्चों को बताया, देखो बच्चों अगर मैं इनको फोल्ड कर दूं कुछ इस तरह से तो आप देख रहे हैं, अगर मैं इसकी बेस लाइन नीचे वाली इसको मार लूं तो ये जो आप देख रहे हैं तीनों के तीनों हमारे कोण के आपस में एक जगह मिल गए हैं और कुछ इस तरह की आकृति बना रहे हैं, तो जिसका ऋषि कोण का मान 180 अंश होता है, और इस आधार पर हम बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इस बात को बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, क्यों होता है। हम क्या करेंगे त्रिभुज बच्चों से चार्ट पेपर के ना कटवा लेंगे, जैसे एक त्रिभुज हमने ये मान लिया त्रिभुज है हमारे पास, सेम त्रिभुज हमने एक और चार्ट पेपर बनवा लिया सेम, मतलब सब इसका उसे क्या कहेंगे आप समरूप नहीं दूसरा वाला जो रहा समान इक्विलेटरल सर्वांग सम हां हां सर्वांग का त्रिभुज हमने एक और एक इसकी जीरो किया बिल्कुल जीरो पे आती ठीक है। अब क्योंकि चार्ट पे पड़ा होता है थोड़े बड़े बड़े ट्रायंगल हम बनवाएंगे ठीक है, तो उसके बाद कंपास में हम एक सेंटीमीटर या मिनिमम जितने सेंटीमीटर की दूरी आ सकती है वो यहाँ पर रखकर एक आर्क ऐसे लगवा देंगे, सेम से आर्क की इधर लगवा देंगे और सेम उससे आर्क इधर लगवा देंगे। भारत में ही ये यूज भी हो सकता है, आप इसे समांतर चतुर्भुज या किसी और चौकोर आकृति में करेंगे तो शायद नहीं हो। क्या होता है कि हम इसको एक वर्ग बना लेते हैं, एक इसको बच्चों के सामने समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं वर्ग कह सकते हैं दोनों में से कोई, तो हम जो है बच्चों को बना के और ये पहले वर्ग दिखाते हैं और बच्चों को हम ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हमारा जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, तो हम यहाँ पे संपूर्ण कोण पहले ही समझा देंगे कि एक जो सर्किल होता है
वो 360 डिग्री का होता है और हम यहाँ पे सर्किल खींच लेते हैं, इस तरह से सर्किल खींच लेते हैं और सर्किल खींचने के बाद हम इसको और एक बार फोल्ड करके, इसको एक बार फोल्ड करके इस तरह से और बीच में से फाड़ देते हैं इसको, एक कोने को इसको फाड़ देते हैं हाथ से और फाड़ने के बाद इसको फिर हम खोल के दिखाते हैं पूरी तरह से। तो ये चारों कोण जो है 90-90 डिग्री के चार जगह बैठ जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो वर्ग वाला है 90 डिग्री के कोण का, ये समझाने के लिए आसान है। कंफ्यूज नहीं, अगर आप बात करते हैं।